तहरीक न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कलर्स मेंसवेयर एंड किस जोन वजीराबाद नांदेड़। कर्ज माफी को लेकर किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज को ताइद देते हुए राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से नांदेड़ शहर के देगलुना का चौराहे पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मस्कूरा एहतजाज एनसीपी यूथ रियासती सदर संग्राम कोते पाटिल की रहनुमाई में शहर यूथ सदर फिरोज लाला की जानिब से मुनक्कद किया गया था। कर्ज माफी को लेकर किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज को ताइद व हिमायत देते हुए गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ शहर के देगलुना का चौराहे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ रियासती सदर संग्राम कोते पाटिल की रहनुमाई में यूथ ज़िला शहर सदर फिरोज लाला की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एनसीपी के सैकड़ों कारकुनान ने देगलुना का चौराहे पर उतर कर मस्कुरा धरने में रास्ता रोको आंदोलन किया। इसके अलावा वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का अलामती पुतला भी जलाने की कोशिश की गई। राज्य मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी संप गेल्या 2-3 दिवसापासून सुरू आहे। या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांनी काही ठराविक त्यांच्या भाजपशी संबंधित मंडळीची चर्चा करून संप संपल्याचं जाहीर केलं होतं। सदाभाऊ खोतांसारख्या मंत्र्यांनी त्याच्यात सूर्याची पिसाळ्याची भूमिका निभावली होती। मात्र या फडणवीस शासनाला मी सांगू इच्छितो की तुमच्या या अशा प्रयत्नांना शेतकऱ्यांचा संप मागे हटणार नाही। येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय राज्यातले शेतकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वस्त बसणार नाही। याहीपेक्षा आक्रमक आणि उग्र स्वरूपाचं आंदोलन येणाऱ्या काही कालावधीत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने राज्यभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केलं जाईल। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने मौके से एनसीपी लीडरान और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मस्कुरा धरने में एनसीपी के चंदन पाटिल बसोराज, कैलाश गोरठेकर, विराज देशमुख, रुपेश कोंडेकर, अबरार लाला, साई प्रसाद यादव, मनबीर सिंह ग्रंथी, कन्हैया कदम के अलावा एनसीपी के सैकड़ों कारकुनान शरीक थे।